अस्सलामुअलैकुम मौजूद वालदैन, आज हमने बच्चों को खेल ही खेल में हरूफ के साथ खेलते हुए तरतीब लगाना सिखाया। जैसा कि आपने देखा है ये सामने के रे से लेकर जोए तक, रे अड़े जे जोए सीन शीन स्वाद स्वाद तोए, तो इसमें जो भी हरूफ नहीं थे मौजूद उनको छोड़कर आगे लिखें, जो हरूफ मौजूद हैं उनको लिखें, उससे अगला मौजूद नहीं है तो फिर उससे अगला लिखें। इस तरतीब को हमने बच्चों को ये याद करवाया कि अगला हर्फ क्या आएगा, इसे कहते हैं तरतीब लगाना। मुख्तलिफ शक्लें हमने बना के दी हैं, ये सोफा है, सेफ है या ज़रीफ है या जो कि रीच है, इसमें रे अड़े जे तो रे के गिर दायरा लगाना के बताया कि रीच रे की आवाज़ क्या है। बच्चों को चीज़ों के साथ रूप की पहचान करवाना सिखाया, जो जोए ज़रूर जोए ज़रीफ, इसी तरह से स्वाद सोफा और सात सीन सेम। अगली सरगर्मी पर जो हमारा आगे का जो है उसमें हमने तमाम हरूफ को लिखा है और उस जैसे तमाम हरूफ अगली लाइन में भी हैं लेकिन तरतीब मुख्तलिफ है, तरतीब से नहीं लिखे जैसे अड़े और जोए हैं। हमने अड़े को भी तलाश करना है अगली लाइन में और जोए को भी तलाश करना है, अड़े को अड़े से मिलाना है, जोए को जोए से मिलाना है, सात सीन को सीन से मिलाना है, स्वाद स्वाद को स्वाद स्वाद से मिलाना है। इसके अलावा एक मज़े का काम बच्चों को ये करने के लिए देना है कि आगे जो तस्वीरें बनी हुई हैं उसमें से जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है जैसे जाला बारी है तो रे से है या जोए से है, जोए से है तो या जोए को हमने दायरा लगा दिया। सोफ़ा बना हुआ है तो हमने जाहिर है कि स्वाद सीन और स्वाद स्वाद उसमें हम स्वाद को दायरा लगा देंगे, सेब है तो सात सीन को दायरा लगवाएंगे। तमाम हरूफ को आपस में भी मिलाना है और जिस हरफ से जो चीज़ बन रही है हम उसके के हरफ को दायरा लगवाएंगे ताकि बच्चे को जहन नशीन हो जाए और उसको वो पहचान अच्छी तरह से याद हो जाए कि ये इस हरफ से ये चीज़ बनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सरगर्मियाँ, ये मश्क आपके लिए मुआवन साबित हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला अगले सफर अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।